हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लैक्स सीड के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि आप केवल उन्हीं के बारे में बताते हो जो जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते उनके बारे में आप कुछ नहीं बताते। तो मैं हर वीडियो में कुछ टाइम बाद ऐसी वीडियो लाता रहूँगा कि जिससे मैं ऐसी चीज़ें लाता रहूँ जो कि जिम जाने वाले भी खा सकते हैं और जो जिम नहीं जाते वो भी खा सकते हैं। मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें, बट लोग उसे यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लैक्स सीड के बारे में, यानी कि अलसी के बीज। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इसमें कोई शुगर नहीं होती, बस आपको मार्केट से लेने हैं, हल्के से भून के आप इसको खा लीजिए। और अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड के इतने फ़ायदे हैं जितने मैं बताऊँ कम हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, एक एक दो दो घंटे की वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसके फ़ायदे बताने लगूँ तो मैं शॉर्टकट में इसके फ़ायदे बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा ओमेगा थ्री जो फ़िश में होती है। अगर आप फ़िश नहीं खाते, आप फ़िश ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, आप फ़िश ऑयल के कैप्सूल नहीं यूज़ कर सकते, तो आप ओमेगा थ्री कहाँ से लेंगे? आपको ओमेगा थ्री मिलेगा फ्लैक्स सीड से। फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छा ओमेगा थ्री होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा थ्री आपको सिर्फ फ्लैक्स सीड में मिलेगा। ओमेगा थ्री क्यों चाहिए? ओमेगा थ्री हमारी हार्ट के लिए चाहिए, हमारे ब्रेन के लिए चाहिए, हमारी स्किन के लिए चाहिए, हमारे हेयर के लिए चाहिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आप फ्लैक्स सीड लीजिए। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज करता है। आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल में HDL होता है और LDL होता है। HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको वो बढ़ाएगा, और जो LDL है बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करेगा। ये हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है एक बारी, या आपको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, इनिशियल पोजीशन पे है, आप अगर इसको लेते हो तो डेफिनेटली आपको हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर आप क्रिटिकल पोजीशन में हो तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो भी इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने पहले हेल्दी डाइट नहीं ली। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है तो आप इसे लीजिए। ये बिल्कुल एक मेडिसिन का काम करेगी और आपकी मेडिसिन, आपकी ड्रग्स बिल्कुल सही नहीं होगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दवाइयाँ देगा। दवाइयाँ क्या काम करेगी? जब तक आप ले रहे हो ठीक है, जब आपने छोड़ दी फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और एक दवाई आप लोगे तो फिर उसके साथ आपको तीन दवाइयाँ वो लेनी पड़ेंगी, आपके लीवर पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप इसे लीजिए, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको भी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हुई है तो। और इसमें क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें फाइबर है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तो वो भी बिल्कुल ठीक होगी। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आप ज़्यादा खाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आपको फ्लैक्स सीड हेल्प करेगा। और अगर आप फैट लॉस करते हो तो भी फ्लैक्स सीड हेल्प करेगा, क्योंकि आप कम खाते हो तब भी आपको फाइबर की दिक्कत हो सकती है। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, आप फ्लैक्स सीड खाते हो तो आपका पेट भी भरा भरा रहेगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। डायबिटीज़ वाले बिल्कुल डायबिटीज़ वाले ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं होती, आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करेगा। डायबिटिक टू के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, आप इसे लीजिए। अगर आप एक चम्मच लेते हो, लगभग 10 ग्राम होता है एक चम्मच में, तो उसमें आपको फैट मिलेगा लगभग 5 ग्राम, फाइबर मिलेगा 3 ग्राम, और उसमें प्रोटीन मिलेगा 2 ग्राम। और इसमें फैट भी गुड फैट है, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बिल्कुल नहीं है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, यानी कि इसमें गुड फैट है, बैड फैट नहीं है। फैट लॉस वाले सोचते हैं कि हमें फैट नहीं लेना चाहिए, बट आपको गुड फैट लेना चाहिए। गुड फैट आपको वेट कम करने में भी हेल्प करता है, तो इसीलिए गुड फैट चाहिए और इसमें गुड फैट है। कितना ले सकते हैं? एक दिन में आप 1 से 2 चम्मच लीजिए, यानी कि 15 से 20 ग्राम आप आराम से ले सकते हो। कैसे खा सकते हैं? आप सुबह ब्रेकफास्ट अगर खाते हो, ओट्स खा सकते हो, उसमें डाल सकते हो। आप कोई भी स्वीट डिश बनाते हो, खीर बनाते हो, या आप कुकीज़ बनाते हो, या आप केक बनाते हो, या आप बार बनाते हो, या आप चॉकलेट बनाते हो, जो भी आप घर में बना सकते हो आप उसमें ही थोड़ी सी डाल सकते हो। ये हर कोई खा सकता है, मेल खा सकता है, फीमेल खा सकता है, बच्चे खा सकते हैं, बूढ़े खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। तो फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड्स के बहुत फ़ायदे हैं, मेन फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, आप इसे इंक्लूड कीजिए। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इसे अभी इंक्लूड कर लीजिए, ताकि लेटर ऑन आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो फ्लैक्स सीड पे। अब धीरे धीरे करके मैं सारी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिलती है पर लोग उसे यूज़ नहीं करते।
तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो फ्लैक्सीड के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।